सभी दोस्तों को नमस्कार, राम राम। गुरुवान डेयरी फार्मिंग चैनल पे आपका स्वागत है। आज आपको एक आम फार्मर के घर से, जो कि काफ़ी लंबे समय से पशुपालन से जुड़े हुए हैं, खेती के साथ साथ इनके पशु दिखाएंगे और पशुपालन भी करते हैं। सुबह सुबह मिल्किंग का टाइम है ज़्यादातर, जैसे कि अभी ये आपको तीसरी गाय, तीन गाय स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तीसरी का भी मिल्क निकाल रहे हैं, बच्चा छोड़ दिया गया है। काफ़ी क्वांटिटी में भी बहुत ज़्यादा पशु है इनके पास, और क्वालिटी भी आप देखें, ये जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, सींग, चेहरे, मोरे की बनावट, दूध निकालने के बाद लेटी थे काफ़ी, और इनके शेड का डिज़ाइन गांव में बाहर की साइड है इनका डेयरी फार्म, तो किस प्रकार से इन्होंने पशुओं की व्यवस्था की हुई है देखिए। जैसे कि खुली, जिसको नान बोल देते हैं चारों तरफ, और बीच में कच्चा, यहाँ पे भी एक गाय का और मिल्क निकाला जा रहा है। ये एक बुल है इनके पास, इसकी डिटेल भी आपके साथ साझा करेंगे, इसकी मदर का रिकॉर्ड क्या है, अगर इनको पता है तो इसकी फादर लाइन। देखिए इनके सारे पशु, इनके सारे पशुओं का डाइट प्लान भी आपके साथ साझा करेंगे। वो गर्मियों में आपको पीछे वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे नीम के, उसकी डिटेल भी आपके साथ साझा करेंगे। इन्होंने पशुओं को बहुत कम खर्च करके एक बहुत अच्छी और बहुत अनुकूल वातावरण देने की कोशिश की है। जैसे कि ये इसके देखिए चारों तरफ नान इस प्रकार बनाया गया है, जगह की कोई कमी नहीं है, बीच में कच्चा छोड़ दिया गया है, और आजकल जो शेड ज़्यादातर होते हैं टीन के या लोह के, चद्दर के, वो ज़्यादातर, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस दी है इस छत को, और दिन में ठंडा भी रहता है गर्मी के मौसम में, और सर्दियों के मौसम में इसको चारों तरफ से कवर कर दिया जाता है, और जो मिल्किंग एनिमल होते हैं उनको एक अंदर की साइड जगह वहाँ पे रखा जाता है। काफ़ी लंबे समय से ये इस चीज़ से जुड़े हुए हैं। नमस्कार सर जी, सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए जी। राम प्रताप जी हैं, गांव सुलीखेड़ा गांव है और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद। तो जैसे कि आप कितने समय से ये पशु, चार साल हो गए, और उससे पहले घर के लिए रखते थे, लेकिन ये ज़्यादातर जो ज़्यादा पशु उन्होंने किए, ये 4 साल का टाइम हो गया। तो जो आपके साथ में ये बुल खड़ा है, इसकी उम्र कितनी होगी जी? अब 2.5 साल की उम्र है, लगभग 2 दांत अभी पूरे कर लिए इसने। तो जी इसकी मदर का क्या रिकॉर्ड है जी, माँ का दूध सब कहीं रिकॉर्ड करवाया का आपके घर पे जी? अच्छा, निवास में, गांव में निवास में लगी हुई है। और इसकी फादर लाइन,
अच्छा अर्जुन कुंगड़ पवन भाई साहब के बुल का बच्चा है ये अर्जुन कुंगड़ जो है, और हेल्थ वाइज देखिए लेंथ बहुत अच्छी है बुल की। थोड़ा सा अभी थोड़े दिन पहले कहते इसकी नाक फोड़ी है, इस वजह से ये ऊपर अपन थोड़ा ज़्यादा कर रहा है। तो देखिए बहुत अच्छी, मैं पीठ अगर आपको दिखाऊं तो बहुत 2.5 साल के कट्टे की आप देखिए, पूरा जेड ब्लैक कलर, गोल्ड सींग, पीठ की चौड़ाई, कद आप भाई साहब के हिसाब से देख लीजिए। अब भी 2.5 साल की उम्र में भी अपनी उम्र का होता होता बहुत अच्छी हाइट और लेंथ तो बहुत ही ज़बरदस्त है बुल की। तो जैसे कि जो आप दूध बेचते हो तो भैंसों का दूध किस रेट में चला जाता है आपका? अच्छा 50 रुपये चला जाता है, और गायों का? अच्छा 50 और 30 रुपये करीब इनका मिल्क बिक जाता है जी। तो खेती किसानी के साथ साथ खेती बाड़ी भी करते हो जी आप? साथ में खेती भी करते हैं। तो पेड़ पौधे ये जो बाहर आपने लगा रखे हैं, पहले लगा लिए थे कि ये पशुपालन करने के बाद में? अच्छा बाद में लगाए। ये देखिए आप, दिन में पशुओं के लिए छांव, बहुत अच्छा वातावरण। तो जी जैसे कि अभी आपके पास कितना मिलक हो जाता है, दूध देने वाली भैंसे कितनी गए? अच्छा 5-6 भैंसे हैं अभी, ड्राई पीरियड में ज़्यादा है इनके पास। तो टोटल कितने पशु हैं जी आपके पास? 40 पशु हैं टोटल इनके पास। हाँ चलो कोई बात नहीं, सारा आ जाएगा। एक इनके फार्म पे ये बुफेलो है जो कि HLDB में रिकॉर्डेड है, टैग भी लगा हुआ है आप देख सकते हैं, और इसकी डिटेल इनसे पूछेंगे। तो जी कितना इसने निवास में कितना दूध निकाला हुआ है जी? 21 लीटर। और अभी कितने दिन रहते हैं इसके ब्याने के? 2 महीने। अभी जैसे ड्राई पीरियड में है, 2 महीने हैं इसके। हेल्थ वाइज पीठ पुट्ठे की चौड़ाई, कद दरमियाना कद है, अडर की क्वालिटी, मिल्क वैन अभी से देखिए, थनों का फेस बहुत अच्छा, मिल्क वैन देखिए आप अभी से, गोल्ड सींग, और जेड ब्लैक पूंछ, पतली पूंछ है देखिए आप। तो जैसे कि आप इन पशुओं को दाने चारे में क्या देते हो जी? अच्छा फीड बनवा के लेके आते हो। तो जैसे कि दूध देने वाली एक भैंस को, जैसे कि ये आपके पास 21 किलो वाली है, तो इसको औसतन कितना खिला देते हो जी एक टाइम का? अच्छा लगभग 5 किलो करीब एक टाइम का इसको खिला देते हैं, यानी कि 10 किलो फीड पे लगभग 20 किलो दूध वाली भैंस को 1:2। और ये भी अभी ड्राई में है जी? हाँ। कितना टाइम रह रहा है इसके ब्याने का? लगभग 2.5 महीने। अच्छा इसके 2.5 महीने। तो ये कितने एक दूध पे चली गई थी जी? खार की थी 16 किलो। अच्छा खारकी ने 16 किलो दूध दिए। देखिए इनके पूरे फार्म पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया पशु इकट्ठे कर रखे हैं। गोल सिंह देखिए, चेहरे मोरी की बनावट, मुझ तो थोड़ी सी वाइट है, लेकिन क्वालिटी देखिए, रिंकल्स देखिए आप यहाँ से खोलना जी इसको एक बार, इसकी अडर की क्वालिटी देखिए आप, घर की ने 16 लीटर दूध दिया है। अभी 2.5 महीने इसके ब्याने के लगभग,
ये रिंकल्स देखिए, इतनों का स्पेस नियर टू डिलीवरी होगी तो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी जोटी। बाकी मिल्किंग अभी की जा रही है तो देखिए इन पशुओं की। तो अब की बार इसको कौन से बुल से प्रेग्नेंट करवाया जी? अच्छा, इस घरवाले से ही करवा रखा है, इसी बुल से करवा रखा है। और उसकी मदर, बींग मदर तो सेल कर दी नहीं पहले? हाँ, उसकी मदर पहले बेच दी इन्होंने। और इस जोटी की जो चल डी बी में रिकॉर्ड रही है, इसके थड़ों का गैप वगैरह भी देख लीजिए, रिंकल्स। बहुत अच्छी हाइट और लेंथ की हैं दोनों। तो आपको इनके पशु कैसे लगे कमेंट करें, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर करें और लाइक करें। आगे मैं इनके जो बाहर उस साइड इन्होंने ट्रीज लगाए हुए हैं, जो दिन में जैसे व्यवस्था है इनके बांधने की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और एक इनके विशेषकर जो ये इन्होंने शेड बनाया हुआ है, जो आजकल टीन के छत और पत्थर के या लोहे की टीन के छत छप्पर शेड जो बनाए जाते हैं वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं, और उनके मुकाबले ये बहुत अच्छा शेड है और ख़र्चा भी उससे ज़्यादा नहीं आता होगा, कम चाहे ना हो तो, लेकिन पशुओं के लिए अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। इसलिए आगे एक इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे पूरी डिटेल के साथ। तो जो ये डाइट प्लान में जो देते हैं, मैं उसका फीड का मिक्सर जो देते हैं उसका इनसे फ़ोटो लेके आपको वीडियो में डाल दूंगा। तो अगर अपने चैनल पे जो भाई पहली बार जुड़े हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की घंटी आपके पास बजती रहे और ऐसे ही अच्छे अच्छे पशु आपको दिखते रहें। सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।